नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन में। और आज हमारी प्रैक्टिस क्लास नंबर 6 है। सिर्फ और सिर्फ 69 डेज आपके बाकी हैं, तो जैसे जैसे दिन पास आते हैं एग्जाम के, क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी और उनका डिफिकल्टी लेवल मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में से ला रहा हूँ, ताकि जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा रहे। इसके साथ साथ अगर आपको रिसर्च की प्रैक्टिस करनी है, कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर की प्रैक्टिस करनी है, और कॉमर्स के बच्चों को बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस और उसके साथ साथ और टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, तो कुछ प्लेलिस्ट हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप जाके वहाँ उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यूज अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन प्रमोटेड बाय द नैक। नैक एक संस्था है जो रेटिंग करती है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। वो कहती है कि उच्च शिक्षा के संस्थानों में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा निम्नलिखित में से किस संकरे तक मूल्यों का बढ़ावा दिया गया है? कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल डिवेलपमेंट तक, राष्ट्रीय विकास के अभियान तक, या फिर फास्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसी अमंग द स्टूडेंट, विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवीणताओं का संपोषण, या फिर इनैकुलेटिंग अ वैल्यू सिस्टम अमंग स्टूडेंट एंड टीचर, विद्यार्थियों और अध्यापकों के मूल्य व्यवस्था विकसित करना, या फिर प्रमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारित सुविधाओं के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना। तो देखिए आप, कंट्रीब्यूटिंग नेशनल डेवलपमेंट भी बिल्कुल सही है, करा जाता है। दूसरा, फॉस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसी भी बढ़ाई जा रही है, और इनैकुलेटिंग एक वैल्यू सिस्टम भी इनैकुलेट किया जा रहा है। तो ए बी सी आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू, शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? डिस्कशन या स्पिरिचुअल टेक्स्ट से, मतलब कि शास्त्रीय ग्रंथों व चर्चा ग्रंथों पर, या फिर लेक्चर डिस्क्लोजर जो कि मूल्यों पर व्याख्यान या परिसंवादात्मक विवरण होता है, या सेमिनार सिंपोसिया ऑन वैल्यूज मूल्यों पर परिसंवाद, या फिर आपका मेंटेनिंग रिफ्लेक्टिव सेशंस ऑफ वैल्यू मतलब कि मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति विमर्श सत्र। तो ये चौथा जो आपका ऑप्शन होगा कि आपको हमेशा शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका ही आप ये है कि मेंटेनिंग रिफ्लेक्टिव सेशन ऑन वैल्यूज मूल्यों पर आदर्शों पर चर्चा की जाए, ना कि ग्रंथ पढ़ाए जाएं, या फिर उससे कुछ नहीं होने वाला। हमेशा हमें हमारे मूल्यों और वैल्यूज की शिक्षा दी जाए, वो सबसे बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 3। द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJGC हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों ने, या फिर प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति ने? तो इसका सही आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ने इस न्यायिक संस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज करेक्ट। भारतीय राजनीति व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो पहला कथन है कि द प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। राष्ट्रपति जो होता है आपका, वो राज्याध्यक्ष और शासन अध्यक्ष दोनों है। दूसरा है कि संसद सर्वोच्च मतलब कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उच्चतम न्यायालय जो है आपका संविधान का संरक्षक है। चौथा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर जस्टिफाइबल, तो मतलब कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांतवादी के हैं। तो इनमें से कौन सा कोड आपको सही चुनना है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो अगर आप देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, यही एक सही स्टेटमेंट है, मतलब कि 4th ऑप्शन। बाकी की ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4। 5वां क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ऑब्जेक्टिव वॉज बीन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स ओवर द डेकेड 2010 टू 2019 विद रेफरेंस टू द डेकेड 1994 से 2003। विश्व मौसम संगठन का उद्देश्य 2010 से 2019 के दशक में जल मौसम आपदाओं के कारण मृत्यु की संख्या 1994 से 2003 के दशक की तुलना में कितना कम करना है? 25% से, 50% से, 75% से, या 80% से? देखिए, एनवायरनमेंट पे अक्सर एक क्वेश्चन आता ही है इस तरह का जो डेटा मांगता है। तो ये है आपका सेकेंड ऑप्शन, 50% से कम करना इन्होंने अपना टारगेट लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आज को आपको की क्लास बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि वीडियो आते